Hello friends, good morning. Today I am going to explain to you section 54 of Income Tax Act. Section 54, most important section. Friends, हमने पहले भी पढ़ा था section 45, subsection 1. क्या कह रहा था? Basis of charge. Any profit or gain arising from the transfer of capital assets during the previous year are taxable under the head capital gain unless such income are not exempt under section 54 54b 54d 54e. मैंने बता दिया, आज हम लोग उसी सेक्शन 54 पर चर्चा करने जा रहे हैं. क्या कहता है सेक्शन 54? सेक्शन 54 कहता है एनी कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ रेसिडेंशियल हाउस बाय एन इंडिविजुअल और HUF यूज्ड बाय द SSC मोर देन 24 मंथ इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ ट्रांसफर आर. रिपीट मैं करने जा रहा हूं, क्या कहा उन्होंने? सेक्शन 54 क्या कहता है? एनी कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ रेसिडेंशियल हाउस बाय एन इंडिविजुअल और HUF यूज्ड बाय SSC मोर देन 24 मंथ एज रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ ट्रांसफर द सच कैपिटल गेन आर इन्वेस्टेड इन एक्विजिशन ऑफ वन रेसिडेंशियल हाउस और कंस्ट्रक्ट अ न्यू रेसिडेंशियल हाउस. क्या कह रहा है? फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, सेक्शन 54 कहता है यदि आप किसी रिहायशी मकान को बेचते हैं, आप है कौन? इंडिविजुअल और या HUF है. आप किसी रिहायशी मकान को बेचते हैं और ऐसे मकान के बेचने से कोई कैपिटल गेन होता है और वो मकान जो कम से कम ट्रांसफर होने से पहले 24 महीने तक रिहायशी मकान के रूप में रहा हो और ऐसे मकान के बेचने से कोई कैपिटल गेन होता है. एनी कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ रेसिडेंशियल हाउस बाई एन इंडिविजुअल और HUF यूज बाई SSC एज रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी More than 24 months immediately preceding the date of transfer, such capital gain are invested in acquisition of new residential property within one year before the date of transfer or 2 years after the date of transfer or 3 years after the date of transfer to construct a new residential house property. In such a case, amount so invested or capital gain, whichever is lower are exempt under section 54. मैं repeat करने जा रहा हूँ, क्या कह रहा है section 54? यदि कोई individual या कोई HUF संयुक्त हिंदू परिवार, हिंदू undivided family, यदि अपने किसी रिहायशी मकान को बेचता है और बेचने से यदि कोई कैपिटल गेन होता है तो इस कैपिटल गेन से एक नया मकान खरीद ले. कब तक? तो कहा उन्होंने 1 year बिफोर और 2 year आफ्टर. या एक नया मकान बना ले, कब तक? विदिन 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर. जिस दिन मकान बिका है वहां से 3 साल के अंदर एक नया मकान बना ले. तो लॉ क्या कहता है सेक्शन 54? अमाउंट सो इन्वेस्टेड और कैपिटल गेन व्हिच एवर इज लोअर आर एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 54. आगे फिर क्या कह रहा है? आगे कह रहा है सेक्शन, इफ सच कैपिटल गेन आर नॉट इन्वेस्टेड इन एक्विजिशन ऑफ न्यू रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी और कंस्ट्रक्ट अ न्यू रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी विदिन रिटर्न फॉर्निश अंडर सेक्शन विदिन ड्यू डेट प्रिस्क्राइब अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 139(1) में जो ड्यू डेट दिया है उस ड्यू डेट तक यदि आप नया मकान खरीद नहीं पाते हैं या नया मकान बना नहीं पाते हैं, क्योंकि बनाने का समय हमको कितना तक दिया? आगे का 3 साल. और रिटर्न सबमिट करने का ड्यू डेट 139(1) में बता दिया, जो मैं आगे के वीडियो में बता दूंगा. तो टाइम हमारे पास कम है रिटर्न सबमिट करने का और इन्वेस्टमेंट करने के लिए 3 साल का समय दिया हुआ हमारे पास. तो क्या कर सकते हैं ऐसे केस में? कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पैसा जमा करा दें.
एक बार कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पैसा जमा हो जाएगा बिफोर फर्निशिंग रिटर्न, बिफोर फर्निशिंग रिटर्न अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 139 का जो ड्यू डेट है उसके पहले यदि आप क्या करते हैं जमा करा देते हैं कहां कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में। तो यह मान लिया जाएगा कि आपने मकान बना लिया, आपने मकान खरीद लिया, तो अमाउंट सो डिपोजिटेड, अमाउंट सो डिपोजिटेड और कैपिटल गेन व्हिच एवर इज लोअर आर एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 54। आगे क्या कहता है लॉ, सेक्शन 54 आगे एक्सप्लेन करता है, सच न्यू प्रॉपर्टी आर नॉट ट्रांसफर्ड विद इन 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। ये मकान, ये जो नया मकान जिसके लिए हमने एग्जेम्पशन लिया है 54 में, पुराना मकान बेचा उसके बदले एक नया मकान खरीद लिया, अब ये जो नया मकान है ये 3 साल के अंदर ट्रांसफर नहीं होनी चाहिए। इफ सच न्यू प्रॉपर्टी आर ट्रांसफर्ड विद इन 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज, ये मकान जिस दिन खरीदा था वहां से 3 साल के अंदर ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो क्या होगा कंसीक्वेंसेस, इफ सच न्यू प्रॉपर्टी आर ट्रांसफर्ड विद इन 3 ईयर्स, विद इन 3 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज, इन सच अ केस द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ सच न्यू प्रॉपर्टी शैल बी रिड्यूस फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ न्यू प्रॉपर्टी शैल बी रिड्यूस। आज इसमें एक और नया अमेंडमेंट आया फ्रेंड, क्या नया अमेंडमेंट आया, अभी जस्ट मैंने क्या कहा, सच कैपिटल गेन आर इन्वेस्टेड इन, सच कैपिटल गेन आर इन्वेस्टेड इन परचेज ऑफ न्यू रेसिडेंशियल हाउस, वन न्यू रेसिडेंशियल हाउस इन इंडिया, इंडिया में खरीद लीजिए एक नया मकान। लेकिन आगे एक अमेंडमेंट आया, क्या अमेंडमेंट आया कि आप 2 मकान खरीद सकते हैं इफ सच कैपिटल गेन डज नॉट एक्सीड ₹2 करोड़, अगर 2 करोड़ रुपए से अधिक का कैपिटल गेन नहीं है तो आप 2 मकान खरीद सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।